नमस्कार, मैं हूं शुभ और आप देख रहे हैं न्यूज स्वनेशन। बिहार में चुनाव संपन्न होने के साथ ही बजट सत्र भी समाप्त हो गया, लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खास तौर पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से विपक्ष की ओर से आए दिन नए नए मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद की जाती है और खासकर शराबबंदी कानून और बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर अक्सर ही बिहार की सियासत में चर्चा होती है, लेकिन अब इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव है। लगातार वो मीटिंग कर रहे हैं और ये तस्वीर एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से सामने आई है, जहां वो तमाम जिलाधिकारी, डीएम, एसपी और जिला मुख्यालयों के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इस मीटिंग में खास तौर पर शराबबंदी और बिहार में क्राइम को कंट्रोल कैसे किया जाए, किस तरीके से अपराध पर लगाम लगाई जाए, ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम जिला प्रशासन और पदाधिकारियों से कर रहे हैं और इसको लेकर कोई अहम कदम, अहम फैसला भी वो ले सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक और मीटिंग उनके आवास पर ही हुई थी, उस दौरान कोरोना संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको लेकर भी उन्होंने तमाम जिलाधिकारी पदाधिकारियों से बातचीत की थी। स्वास्थ्य विभाग के भी जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे बातचीत हुई थी और साथ ही साथ कोरोना संक्रमण पर कैसे लगाम लगाई जाए इस पर भी उन्होंने चर्चा की। जिस तरीके से आगामी होली का त्योहार है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है कि किसी भी तरीके से कोरोना की रफ्तार को बिहार में बढ़ने नहीं देना है। अब ऐसे में अगर अपराध की बात की जाए तो आए दिन बिहार के अखबारों में कई सारी आपराधिक घटनाओं का जिक्र होता है, साथ ही साथ शराबबंदी कानून तो 2016 से लागू कर दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूर्णतः जमीनी स्तर पर अभी भी लागू नहीं हुआ है। कई सारी ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसको लेकर विपक्ष अक्सर ही सवाल खड़े करता है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास पर मीटिंग कर रहे हैं ताकि पूर्णतः जमीनी स्तर पर शराबबंदी कानून लागू किया जा सके। तस्वीरें आप सीएम आवास की देख रहे हैं, सभी जिला पदाधिकारी, डीएम, एसपी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीटिंग कर रहे हैं और जरूर ही कुछ अहम फैसला शराबबंदी कानून और बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर वो ले सकते हैं।